अगर आपके स्टूडियो में बेहतर और टकाटक इनको बोलने वालों को जो दूसरे हैं, जो आज चाहतों का मजाक उड़ा रहे, जो अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे, जो अपने अपने नेताओं की बात कर रहे, उन चाहतों की श्रद्धांजलि की कोई बात करने वाला नहीं है, तो इनको वही मैं जवाब देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पुलवामा हमले के 1 साल पूरे हो गए। देश 40 जवानों की शहादत को याद कर रहा है, लेकिन देश के नेता राजनीति में व्यस्त है। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें, जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। एमएस बिट्टा साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, हमारे साथ जुड़ेंगे। और मेजर जनरल रिटायर्ड, बहुत स्वागत है आपका। बिशंबर दयाल जी रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आएंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से समर्थक के तौर पर शुभ्रांश राय कुछ देर में जुड़ेंगे। अजय आलोक जी नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर हैदर जैदी साहब नेता सीपीआई के जुड़ेंगे। और वहां पर पाकिस्तान को लेकर भी रिएक्शन है। मैं बिट्टा साहब आपके पास आना चाहती हूँ। जब राहुल गांधी ये पूछते हैं कि इस आतंकी हमले से किसको फायदा हुआ, तो कितना शर्मसार करता है ये पूरे देश को। देश की सेना को लेकर गर्व है, और एक बार कोई पूछे तो कि कितनी संवेदनहीनता है ये उन परिवारों के लिए जिनका अपना घर न लौट पाया। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज शहादत का दिन है, जो पुलवामा में हमारी मातृभूमि की सीमाओं की, मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के लिए जवानों ने शहादत दी। जब शहादत करने ये जवान अपने बच्चों को देख करके, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को देख के निकले थे, तो ये उन्होंने कहा था, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और शहादत का जाम पी जाते हैं। सबसे बड़ा मुझे दुख आ रहा है, इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ अभी, अगर आपके स्टूडियो में बेहतर और टकाटक इनको बोलने वालों को जो दूसरे हैं, जो आज चाहतों का मजाक उड़ा रहे, जो अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे, जो अपने अपने नेताओं की बात कर रहे, उन चाहतों की श्रद्धांजलि की कोई बात करने वाला नहीं है, तो इनको वहीं मैं जवाब देता कि आज का दिन श्रद्धांजलि का है, या आज का दिन राहुल गांधी का है, या आज का दिन कांग्रेस पार्टी का है, या आज का दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। आज का दिन कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, हर पॉलिटिकल पार्टी को आपके मंच पे ऊपर खड़ा होकर उन शहीदों को याद करना चाहिए था, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके माता पिता को, उनको हौसला देना चाहिए था। हमने उनके जख्मों के ऊपर, आपके चैनल पे आके पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। अगर इतनी बड़ी शहादत पुलवामा में ना होती तो 370 धारा ना हटती। अगर पुलवामा में इतनी बड़ी शहादत जवान ना देते तो आज पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के, ना सीएम के, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके कैंपों को उड़ा के 15 मिनट के अंदर आ गए, कोई आज उसकी बात करने वाला नहीं। आज राहुल गांधी मुद्दा है, आज पॉलिटिकल पार्टियां मुद्दा है, पुलवामा मुद्दा क्या हुआ जो मैं अभी देख रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू है, मैं ये बहस को देख के रो रहा हूं। ये क्या बहस चल रही है। आज सबको इकट्ठे होकर सबसे पहले उन पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, फिर कोई और मुद्दा उठता। जवाब दीजिए जैदी साहब। बिट्टा जी, आज का दिन मुद्दा है शहीदों का, आज का दिन जवानों का मुद्दा है। जब हम कहते हैं जवानों को कम से कम खाना अच्छा दे दिया जाए तो बीजेपी कहती है आप समानों पर सवाल उठाओगे। हम कहते हैं जो सियाचिन की पहाड़ियों पर जवान बैठा है उन्हें वर्दी दे दी जाए तो यह बीजेपी कहती है कि आप जवानों पर सवाल उठाओगे। हम पूछते हैं जवानों की शहादत क्यों घर के अंदर हो गई तो ये कहते हैं कि जवानों की शहादत पर सवाल उठाओगे। हम पूछना चाहते हैं जवान सीमा पे नहीं मरे, वो नीर शाह था, कौन था जो जैसे कौन था जिसकी वजह से जवान शहीद हुए उसका पता दे जानना चाहता है तो आप ये पूछते हैं क्या ये सवाल क्यों उठा रहे हो। ये सवाल उठाना फर्ज बनता है। जवान देश के लिए शहीद होता है और देश के अंदर आदमी को सवाल होता है कि जवान जो शहीद हुए वो उनके वो किस वजह से शहीद हुए देश जानना चाहता है। मुझे बताइए देश कहां के जानने के बाद
कितनी शहादतें हुई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी शहादतें हुई? नरेंद्र मोदी आपको आपको मुशर्रफ लगता है? नरेंद्र मोदी आपको नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूछा जाएगा जो सरकार में बैठा है उससे ये सवाल? कितनी शहादतें हुई पुलवामा में? जो शहीद हुए पुलवामा के जवान शहीद हुए, कितनी शहादतें हुई? हमारा पुलवामा के लोग हुए, कितनी शहादतें हुई? लेकिन किसकी वजह से शहीद हुए ये जरूर पूछा जाएगा। बताइए आज तक ये पता चला कि इस राज्य में कैसे पहुंच गया, कितने पत्थर मेरा एक चीज का सवाल है। हर बात पे वो बात करने के लिए आप मेरा सेना की आग में छिपकर आपने अपने पास नहीं छुपा सकते। नहीं हुई, मुझे बताइए क्या पुलवामा जैसी घटना हुई? आपको आपको नरेंद्र मोदी से नफरत है? हमें नहीं है नरेंद्र मोदी जी से नफरत, हमें देश से प्यार है, हमें आरएसएस से नफरत नहीं है, हमें देश से प्यार है, हमें बिट्टा जी से नफरत नहीं है। लेकिन अपने सेना के बारे में जानना जरूर चाहेंगे जिनकी वजह से हम यहाँ सो रहे हैं, हम चैन से नहीं सो रहे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हम पूछना चाहेंगे जब उसे खाने को भोजन नहीं मिलेगा, हम सवाल करेंगे जब उसे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, हम सवाल करेंगे जब उनके बच्चे जो शहीद हो जाता है उसके बच्चों ऊपर पुरसाने हाल नहीं होता, हम पूछेंगे जरूर, हम ये जरूर पूछेंगे जो पुलवामा में शहीद हुए उनकी बहनों का हाल है। जवानों के बच्चों को आज करोड़ों रुपया, आज करोड़ों रुपया मिलता है जनाब, मत कीजिए बीजेपी की बात, मत कीजिए नरेंद्र मोदी की बात, माल की बात है, बात कीजिए माल की, उसमें छिपेंगे अपने वो छिपाएंगे, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे कि इतने जवान किसकी वजह से शहीद हो गए। सैदी जी की बात का भी जवाब दीजिए, सवाल ये है, सवाल ये है कि आज शहादत के दिन सामने उस सच को भी जानना बहुत जरूरी है जो अभी तक देश के सामने नहीं आया है। ये जानना कि आखिर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कैसे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्यों नहीं वहां पर लागू हुए जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना के पीछे का सच लाना भी आप ही का काम है।